दोस्तों अगर आप भी Flipkart की BBD सेल या फिर Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में कोई सा स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हैं या फिर कोई सा गैजेट परचेस करने वाले या कुछ भी परचेस करने की सोच रहे हैं तो आपको मेरी ये आज की वीडियो जरूर चेकआउट करनी चाहिए ताकि आपके भी बॉक्स में साबुन की टिक्की, पत्थर या फिर कोई सा दूसरा प्रोडक्ट ना आए। और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि अभी सेल आ रही है और सेल के टाइम पे सबसे ज्यादा स्कैम्स होते हैं और ये चीज मेरे साथ हो चुकी है तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये चीजें हो। तो आज की इस वीडियो में आपको चार ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें आपको किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले ध्यान देना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। बाकी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 की जो कि है सेलर चेक। दोस्तों Flipkart और Amazon जो है ना ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे सेलर्स अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं और ये जो स्कैम होता है ना ये Flipkart या Amazon नहीं करते हैं, ये या तो सेलर की तरफ से होता है या फिर ट्रांसपोर्ट के समय होता है या फिर डिलीवरी बॉय करता है। सेम मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने बिना सेलर को चेक किए प्रोडक्ट को परचेस कर लिया था जो कि 25,000 के आसपास था। जो प्रोडक्ट है वो सेम बॉक्स में आया पर अंदर जो प्रोडक्ट था वो 3,000 का था। इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको सबसे पहले सेलर को चेक कर लेना चाहिए जहां पर आपको सेलर की रेटिंग चेक करनी चाहिए, पर एट द सेम टाइम रिव्यू भी मैटर करते हैं। 20 रिव्यू पे 3.9 की रेटिंग मतलब अच्छी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर रिव्यूज 5-10,000 के आसपास है और रेटिंग 3.9 के अबव है तो वो एक जेन्युइन सेलर है। अभी बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की, वो है बैंक डिटेल्स और एड्रेस। देखो दोस्तों BBD सेल या Amazon सेल में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट हाइप में रहता है ना वो सबसे पहले सेल आउट हो जाता है, तो जो डिस्काउंटेड प्राइसिंग रहती है ना वो शुरू के 10-15 मिनट ही रहती है। अगर आपने बैंक डिटेल्स और एड्रेस को पहले से अपडेट किया हुआ है तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं प्रोडक्ट के स्टॉक में रहने के और परचेस होने के। बाकी देखो मैक्सिमम डिस्काउंट अभी के टाइम पे एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI और SBI के कार्ड पे मिलता है। ये डिपेंड करता है सेल के टाइम पे कौन से बैंक का कौन से प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप है। अगर आपके पास अभी तक इन बैंक का कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो अगर स्टूडेंट है तो फिर अरेंज करना एक बेटर चॉइस है। देखो दोस्तों पहले आपने सेलर चेक कर लिया, प्रोडक्ट को परचेस कर लिया, नंबर 3 पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए OTP और वीडियो का। यहाँ पर Flipkart अच्छा काम करता है जहां पर आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी देखने को मिल जाती है, पर उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट में ओपन बॉक्स डिलीवरी वाला ऑप्शन नहीं रहता है, वहां पर OTP वाला ऑप्शन रहता है। अगर आपके पास प्रोडक्ट रिसीव होता है तो आपको OTP पहले नहीं देना है, आपको सबसे पहले बॉक्स चेक कर लेना चाहिए। अगर बॉक्स फटा हुआ है, कटा पीटा लग रहा है तो आपको OTP नहीं देना चाहिए क्योंकि जैसे आप OTP दे देते हैं तो जो डिलीवरी बॉय है उसका काम वहीं पे खत्म हो जाता है। पर उसके अलावा बहुत सारे केसेस में OTP भी नहीं आता है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में, तो वहां पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक्साइटमेंट में सबसे पहले बॉक्स को ओपन मत करो, बॉक्स को ओपन करते वक्त वीडियो बना लो। चाहे अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी भी हो रही हो तो डिलीवरी वाले के सामने आप वीडियोस बना सकते हो क्योंकि बहुत सारे केसेस पास में हुए हैं कि डिलीवरी बॉय को अच्छे से अनबॉक्सिंग करने नहीं आया और जो प्रोडक्ट है वो गिर गया। ऐसे केसेस में दिक्कत आ सकती है क्योंकि जो प्रोडक्ट आपको डिस्काउंटेड प्राइसिंग में पहले मिला था वो रिटर्न करने के बाद नहीं मिलेगा। और देखो जैसे स्कैम होता है और आपने वीडियो नहीं बनाया तो मैक्सिमम केसेस में जो प्रॉब्लम है वो रिजोल्व हो जाती है, इसमें ऑलमोस्ट 20-21 दिन के आसपास का टाइम लगता है। पर इक्का दुक्का ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर Amazon या फिर Flipkart की जो कंप्लेंट है वो चेक होने के बाद भी उनकी एंड से उनको कोई भी इश्यू नहीं नजर आता है, तो उस केस में अगर आपके पास वीडियो रहता है एज अ प्रूफ तो आप उसे सोशल मीडिया में अपलोड कर सकते हैं या फिर कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट पॉइंट नंबर 4 की जो कि है प्लस मेंबरशिप और प्राइम मेंबरशिप। देखो दोस्तों अगर आप 50,000 लगा के कोई सा स्मार्टफोन परचेस कर रहे हैं तो पर्सनली मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा आपको 150-200 की प्राइम मेंबरशिप ले लेनी चाहिए। Amazon पे तो आप पैसे देके प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं पर Flipkart में ऐसा नहीं है। Flipkart में कुछ ऑर्डर्स को कंप्लीट करना पड़ता है और जैसे ही वो जो ऑर्डर का थ्रेशहोल्ड है वो रीच हो जाता है वैसे ही आपको प्लस मेंबरशिप मिल जाती है। तो अगर आपके पास प्लस मेंबरशिप नहीं है तो आप किसी प्लस मेंबरशिप वाले अकाउंट से स्मार्टफोन को या गैजेट को परचेस कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो बेनिफिट मुझे नजर आया ना प्लस या फिर प्राइम मेंबरशिप में वो है कस्टमर प्रेफरेंस की। तो कस्टमर सपोर्ट की तरफ से आपको मैक्सिमम प्रेफरेंस मिलती है एज कम्पेयर टू नॉन प्राइम मेंबर्स। दूसरा जो बेनिफिट मुझे लगता है प्लस मेंबरशिप का वो है अर्ली सेल एक्सेस। देखो BBD सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में जो प्लस मेंबर या प्राइम मेंबर्स रहते हैं उनके लिए सेल एक दिन पहले ही चालू हो जाती है। और जो तीसरा बेनिफिट मुझे लगता है वो है बैंक डिस्काउंट। अगर आपके पास Flipkart एक्सिस बैंक कार्ड है या फिर Amazon का ICICI कार्ड है तो वहां पर 5% का डिस्काउंट मिलता है प्लस और प्राइम मेंबर्स को, नॉन प्राइम मेंबर्स को 3% का डिस्काउंट मिलता है। बाकी अगर आपको प्राइम मेंबरशिप या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों BBD सेल की बहुत ही जबरदस्त वीडियो चैनल पे आने वाली है, मैं बोलूंगा आपसे अगले, तब तक के लिए सब्सक्राइब।